नमस्कार साथियों, भारत के भूगोल में और सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज काफी दिनों से आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू इसके आगे से जहां हमने पीछे छोड़ा है उसके आगे से ही हम स्टार्ट करें। तो देखिए, हमने जो टॉपिक शुरू कर रखा था, भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उसके अंतर्गत हमने हिमालय पढ़ लिया था और उत्तर का विशाल मैदान है वो शुरू कर रखा था। उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हमने एक तो इसका विस्तार पढ़ लिया था, उत्तर के विशाल मैदान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी वो पढ़ लिया था, और इसके अलावा इनके निर्माण क्रम के अंतर्गत हमने भाबर, तराई, बांगर, खादर इसको पढ़ लिया था। आज जो हम उत्तर के विशाल के मैदान में आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। तो देखिए, प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत है हमें आर एल सिंह का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। आर एल सिंह, पूरा नाम है रामलोचन सिंह, आर एल सिंह का प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। जैसे हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा था और वहां पर हमने देखा था कि नदियां हैं वो हिमालय को अलग अलग प्रदेशों में विभाजित कर रही थी, उसी तरह यहां पर कुछ नदियां हैं और वो नदियां इस उत्तर के विशाल मैदान को अलग अलग भागों में विभाजित करेंगी। तो देखिए, यहां यदि हम बात करते हैं इसके प्रादेशिक विभाजन की, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। एक तो हम पढ़ेंगे सिंधु का मैदान। इसका सिंधु का मैदान, सिंधु का मैदान का अर्थ यह है कि सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है वो सारा का सारा हम सिंधु के मैदान के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी अन्य विशेषताएं इसके अंदर आएंगी वो भी हम यहीं पर ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें गंगा यमुना का मैदान पढ़ेंगे, गंगा यमुना का मैदान पढ़ेंगे, ठीक है, नाम से ही दिख रहा है ना। इसके अलावा हम एक गंगा का मैदान अलग से पढ़ेंगे, गंगा का मैदान, गंगा यमुना का मैदान हम अलग पढ़ेंगे, गंगा का मैदान हम अलग पढ़ेंगे, और लास्ट एक पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यहां पर हमें इसके प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत जो मुख्य नदियां हैं उन नदियों के नाम पे, जैसे सिंधु नदी का मैदान है, इसका मतलब यह है कि सिंधु नदी मुख्य नदी है और इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सबके द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया जाता है उसे हम सिंधु का मैदान कहेंगे। ऐसे ही गंगा यमुना का मैदान है, ऐसे ही हम गंगा के मैदान की बात करेंगे, ऐसे ही हम ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे। तो हम यहां पर चार प्रकार के मैदानों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक की चर्चा करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु के मैदान की, ठीक है। प्रादेशिक विभाजन के अंदर है जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सिंधु नदी का मैदान या सिंधु का मैदान, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने आगे हमें पढ़ना है नदियों के अंतर्गत, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि यहां से एक नदी निकल के आती है कैलाश पर्वत के पास से, और यहां से एक नदी निकल के आती है और वो नदी फिर बाद में भारत के पीओके क्षेत्र से बहती है और इधर जाके अरब सागर में कराची के पास है, ये नदी अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था यहां पर दो पर्वत श्रेणियां थी जिनके बीच से ये नदी बह रही थी। कमेंट करके बताना, मेरे को बता दिया है इसके बारे में कि सिंधु नदी
भारत के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? देखो भाई बताओ, कमेंट करके बताइए कि यहां पर सिंधु नदी है वो कौन कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है, इसका जवाब दीजिए। चलो इसका जवाब देना आप, ठीक है ना? तो ये पीछे बता दिया गया है, ये पीछे के पार्ट में। तो ये सिंधु नदी है, ये जो सिंधु नदी है इसकी एक सहायक नदी है यहां पर है। और यहां से बेरीनाग झील से और एक नदी निकलती है और फिर जम्मू कश्मीर में बहती हुई वो पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम है झेलम नदी। ये नदी कौन सी है? ये नदी है सिंधु नदी। और ये नदी कौन सी है? तो ये है झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी, ठीक है। यहां से चंदन और भागा के रूप में आपको बताया था कि एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है चिनाव नदी। और इस चिनाव नदी के अंदर ये झेलम नदी मिलती है, उसके बाद आगे जाके ये मिथनकोट के पास है, किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में। तो ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है चिनाव नदी। कौन सी नदी? चिनाव नदी। इसके नीचे एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी, और ये रावी नदी आगे जाके फिर किसमें मिल जाती है? तो ये चिनाव नदी में मिल जाती है। तो एक नदी है रावी नदी। इसके नीचे हम चलते हैं, यहां पे एक नदी निकल के आती है व्यास कुंड से, व्यास नदी। और इधर से यहां राक्षस ताल से एक नदी निकलती है, फिर भारत के सिपिकला दर्रे से प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी और व्यास नदी यहां हेली के बैराज, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, वहां जाके ये दोनों नदियां मिलती हैं। फिर सतलज नदी आगे जाती है और सतलज नदी जाके चिनाव में मिल जाती है। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है व्यास। और ये नदी कौन सी है? तो ये है सतलज। सतलज। तो ये पांच नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज। ये पांच हैं और इन पांच के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम पड़ा है पंजाब, पंचनद, ठीक है ना? और पंचनद, और फिर धीरे धीरे इसका नाम हो गया पंजाब। तो यहां से ये पांच नदियां बहती हैं, ठीक है ना? सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। अब देखिए यहां क्या, किसका निर्माण होता है? यहां निर्माण होता है दो आब का, ठीक है ना? दो आब का। दो आब का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है मैदानी भाग, कहलाता है दो आब। क्या कहलाता है? दो आब, ठीक है ना? तो ये जो नदियां हैं ये कौन कौन से दो आब का निर्माण करती है, है ना? तो सिंधु नदी का मैदान है वो सिंधु, और उसकी ये सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये सिंधु नदी का मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखिए यहां पर कौन कौन से दोआब बन रहे हैं। यहां देखिए जो ये सिंधु और झेलम नदी है, इसके बीच का जो दोआब है वो कहलाता है सिंधु सागर दोआब। क्या कहलाता है? सिंधु सागर दोआब, ठीक है ना? हालांकि सिंधु सागर जो दोआब है वो भारत में नहीं बनता, क्योंकि भारत में यह नदी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र से बहती है। ये वैसे वास्तव में पाकिस्तान में बनता है ये, ठीक है ना? इसलिए ध्यान रखना, ये आगे जाके यहां पाकिस्तान में बनती है, तो हमें सिर्फ भारत पढ़ना है। तो ध्यान रखना, सिंधु जो सिंधु सागर दोआब है वो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का मैदानी भाग है, ठीक है ना? फिर यहां ऊपर झेलम नदी है, नीचे चिनाव नदी है, इसके बीच का जो दोआब बनता है वो है चार्ज दोआब। क्या नाम है? चार्ज दोआब, ठीक है ना? झेलम और चिनाव नदी के बीच कौन सा दोआब है? तो चार्ज दोआब। फिर चिनाव और रावी, इसके बीच में है रचना दोआब। कौन सा? रचना दोआब। तो रचना दोआब किस किस के बीच में बन रहा है? चिनाव नदी और रावी नदी के बीच। रावी और व्यास, इन नदियों के बीच बनता है बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब। और व्यास और सतलज के बीच यहां कौन सा दोआब बनता है? तो यहां बनता है बीस्त दोआब। कौन सा? बीस्त दोआब, ठीक है ना? कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है ना? ऐसे पूछ लेते हैं झेलम और चिनाव नदी के बीच का दोआब कौन सा है, ऑप्शन में चार्ज, रचना, बारी, बीस्त, है ना? तो ऐसे इनको याद करना है। तो दोआब होता है दो नदियों के बीच का मैदानी भाग, दोआब कहलाता है, ठीक है ना? तो कौन कौन से दोआब हैं जो सिंधु के मैदान में बनते हैं, है ना? अब सिंधु का मैदान पढ़ रहे हैं,
और मैदानी भाग की ये बातें हैं, इसलिए हमने यही पे इसको डिस्कस किया। अब देखिए मान ले आपकी गड़बड़ हो जाए, है ना, कि आप बिस्त को इसमें कर बैठो, इसको इसमें कर बैठो, रट लो, एग्जाम में जाए वहां पे गड़बड़, तो थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखिए इधर कि जैसे हम बात करते हैं यहां से, ये है बिस्त, BIST, बिस्त दोआब। बिस्त दोआब किस किस के बीच में है? सतलज और ब्यास। ये व्यास नहीं है, वास्तव में ये ब्यास है, है ना। तो बी का हो गया ब्यास, एस का हो गया सतलज, तो बिस्त दोआब है वो सतलज और व्यास के बीच बनता है। हम बात करते हैं ये कौन सा है, तो ये है बारी दोआब। कौन सा? बारी। किस किस के बीच में बन रहा है? व्यास और रावी। ये रा ब्यास, बी से ब्यास, रे से आर से रावी। तो यानी बिस्त दोआब है वो सतलज और व्यास के बीच में बन रहा है, जिसमें बी का मतलब व्यास, हालांकि ये इसका अर्थ नहीं है, ये हमने ट्रिक बनाई है केवल। बी से लिया व्यास और एस से हमने ले लिया सतलज, तो ये हो गया बिस्त। बारी बी से व्यास, आर से रावी। ये देखिए ये क्या है? रचना, आर ए सी एच ए एन ए। तो रचना आर से रावी और सी एच से चिनाव, आर से रावी सी एच से चिनाव। तो रावी और चिनाव नदी के बीच का दोआब रचना। ये क्या है? चार्ज, सी एच ए जे, चार्ज, सी एच चिनाव और जे से झेलम, और ये नाम से दिख रहा है सिंधु सागर। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। ये याद करने की ट्रिक है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, हम चार्ज को रचना कर बैठते हैं, रचना को बारी कर बैठते हैं, है ना। तो ये इतने दोआब बनते हैं इन नदियों के बीच में, ठीक है ना। तो पूछ लेते हैं कई बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मिटा देते इसको, अब देखिए इनको हम थोड़ा सा एक एक करके और कर लेते हैं बातें, तो थोड़ा सा हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मैप में हमने इसको देख लिया है, तो इसके अंतर्गत हमने जो दोआब देखे हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सिंधु नदी के मैदान की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए कौन कौन सा देखा हमने। एक देखा सबसे पहले नीचे ही नीचे, बिस्त दोआब, बिस्त दोआब। तो बिस्त दोआब किस किस के बीच में है आपको बताया था, ऐसे आप याद कर सकते हो, बी आई एस टी, बी से ब्यास, बी से ब्यास और एस से सतलज, एस से सतलज। तो यानी बिस्त दोआब है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है? ब्यास और सतलज। ध्यान रखना ये जो दोआब है ये पूर्णतः भारत में है, पूर्णतः भारत में, ठीक है ना। यदि पूछ लिया जाए सिंधु नदी के मैदान के अंतर्गत जितने भी दोआब बढ़ते हैं उनमें कौन सा दोआब है वो पूर्ण रूप से भारत में है, बाकी है वो भारत में भी है लेकिन है पाकिस्तान में भी है। जैसे हमने अभी चर्चा की थी ना, ये व्यास नदी है, ये सतलज नदी है, यहां हैरी के बैराज में मिल जाती है ये, और ये हैरी के बैराज यहां कहां है? भारत के अंदर ही है। तो यहां पे जो ये बन रहा है ये दोआब, ये पूर्ण रूप से कहां है? भारत के अंदर। तो सिंधु नदी के अंदर जितने भी दोआब बढ़ेंगे उनमें एकमात्र दोआब जो बिस्त दोआब है वो पूर्ण रूप से भारत के अंदर है। तो एक हो गया बिस्त दोआब ब्यास और सतलज के बीच में, जो पूर्ण रूप से कहां है? ये पूर्ण रूप से भारत के अंदर है। फिर बिस्त दोआब उसके बाद में ऊपर हमने किसकी बात की थी? बारी दोआब की। किसकी? बारी दोआब। जैसे हमने बारी से लिखा बी ए आर आई, यानी हमने बी का क्या लिया? ब्यास, ब्यास और आर का क्या लिया? रावी। तो व्यास और रावी के बीच का जो दोआब है वो कहलाएगा बारी दोआब, ब्यास और रावी के बीच का दोआब बारी दोआब। उसके जस्ट ऊपर हमने बात की थी किसकी? रचना दोआब की, रचना दोआब की, है ना। तो जैसे आर ए सी एच ए एन ए, ये रचना है। आर से क्या है? आर से है रावी, और फिर सी एच, सी एच से क्या है? सी एच से चिनाव है, सी एच से क्या है? चिनाव है। बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया रचना, है ना। वैसे आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया इसका। लास्ट में कौन सा है? चार्ज। चार नंबर पे कौन सा है? चार्ज, चार्ज दोआब,
चार्ज, जैसे बताया था आपको चार्ज को आप ऐसे लिख सकते हो, सी एच का मतलब चिनाव और जे का मतलब झेलम, जे का मतलब झेलम। तो चिनाव और झेलम नदी के बीच का जो मैदानी भाग है वो कहलाता है चार्ज दोआब। और लास्ट में सिंधु सागर, ये पाकिस्तान में है, ये सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर है दोआब, है ना। और कौन कौन सी नदियों के बीच में, तो झेलम और सिंधु नदी के बीच में, झेलम और सिंधु नदी के बीच में। तो ये सिंधु नदी के अंतर्गत हमने टोटल 5 दोआब देखे हैं, है ना, ठीक है ना। कितने 5 आब, कितने आब देखे हैं 5 आब, इससे ही नाम क्या पड़ा पंजाब, ठीक, ये बात क्लियर होगी। तो ये है सिंधु नदी। अब देखिए सिंधु नदी के मैदान की हम बात करते हैं, तो एक चीज मैं आपसे पहले पूछता हूं उसके बाद आपसे बात करता हूं। एक प्रश्न है मेरा आपसे कि मालवा का पठार कहां पड़ता है, मालवा का पठार कहां पड़ता है, इसका जवाब दीजिए फटाफट। मालवा का पठार किस राज्य के अंतर्गत आता है, फटाफट जवाब दीजिए। मालवा का पठार, मालवा का पठार है वो किस राज्य में है, तो देखिए ये मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश में, है ना। एम से मध्य प्रदेश, मै से मध्य प्रदेश, मै से मालवा, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। इसका कुछ हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश में भी है और कुछ हिस्सा राजस्थान में भी है, है ना। मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न मेरा ये है कि मालवा का मैदान कहां है, मालवा का मैदान कहां है, इसका जवाब दीजिए। मालवा का पठार तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, मालवा का मैदान कहां है, यह है प्रश्न। क्या मध्य प्रदेश में ही है या राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, कहां है, फटाफट जवाब दीजिए। मालवा का मैदान कहां है, देखिए मालवा का मैदान यह मुख्य रूप से है पंजाब में, है ना, क्योंकि एग्जाम देने जाते हैं खुशी खुशी से और जाते ही पहला ही क्वेश्चन मिलता है मालवा का मैदान कहां है, है ना, पढ़ के गए मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, पहला ही ऑप्शन मध्य प्रदेश मिलेगा, टिक, बाहर आते ही पूछा इधर उधर से, किसी ने कहा कि ये होगा, जिद कर बैठते उससे मध्य प्रदेश में होगा, नहीं पंजाब में। देखिए मालवा का मैदान या मालवा दुआ भी बोलते इसको, जैसे हमने यहां पढ़ी थी अभी एक नदी पढ़ी थी और इस नदी का नाम है सतलज नदी, कौन सी नदी, सतलज नदी। नीचे यहां हम एक नदी पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में घग्गर नदी, तो सतलज और घग्गर नदी के बीच का जो मैदानी क्षेत्र है वो कहलाता है मालवा का मैदान। तो ये मुख्य रूप से पंजाब में है और कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में भी है, लेकिन मुख्य रूप से पंजाब में है। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसका जवाब है वो मेनली जहां है उसके बारे में आता है, ये है ना। तो मालवा का मैदान है वो पंजाब के अंदर है, सतलज और घग्गर नदी के बीच का, इसलिए इसे हम मालवा दोआब भी कहते हैं। तो ध्यान रखना मालवा का पठार अलग है जो मध्य प्रदेश में है और मालवा का मैदान है वो पंजाब में है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो नेक्स्ट, सिंधु नदी का मैदान हो गया। अब हमारा जो अगला मैदान है वो है गंगा यमुना का मैदान, तो नाम से ही दिख रहा है। दूसरा हमारा है वो है गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। तो यानी गंगा और यमुना नदी के बीच में, जैसे ये नदी बहती है यहां से, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, हालांकि हम भागीरथी अलकनंदा के बारे में डिटेल से बात करेंगे जब हम गंगा नदी पढ़ेंगे, एक बार इतना ही ध्यान रखना कि गंगोत्री से निकलती है। इधर यहां यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, और यहां प्रयागराज, प्रयागराज में जाके यह नदी किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में। यह नदी कौन सी हो गई, गंगा, और यह नदी कौन सी हो गई, यमुना नदी। तो गंगा और यमुना नदी, इसका जो मैदान होगा वो ये होगा गंगा यमुना का मैदान, ठीक है ना। इसके आसपास जो भी नदियां हैं वो सारा गंगा यमुना का मैदान होगा। अब देखिए ये गंगा यमुना का जो मैदान है, इधर इस तरफ और इस तरफ,
यानी इसके गंगा यमुना मैदान के पश्चिम में जो वर्षा होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर और इसके पूर्व में यहां वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे यहां गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान है वो यमुना के मैदान से अलग कौन सी वर्षा रेखा से होता है? 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। ठीक है ना, पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन, पूछा हुआ ये कि गंगा का मैदान गंगा यमुना के मैदान से अलग होता है कौन सी वर्षा रेखा? 100 सेंटीमीटर, यानी गंगा यमुना मैदान के पूर्व में 100 सेंटीमीटर से अधिक या 100 सेंटीमीटर बरसात होती है, जबकि इसके पश्चिम में 50 सेंटीमीटर या उससे कम बरसात होती है, है ना। तो यह है गंगा यमुना का मैदान, तो नाम से दिख रहा है ये, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको यह बताया हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ये हो गया गंगा यमुना का मैदान, है ना, जो कि मुख्य रूप से फैला हुआ है ये जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, वहां ये फैला हुआ है, है ना। नेक्स्ट देखिए जो तीन नंबर पे है वो है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, है ना, गंगा का मैदान। जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि ये गंगा नदी है, है ना, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, इधर की यमुना नदी थी। तो ये जो हो गया 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, इसके इधर हो गया कौन सा? गंगा यमुना का मैदान, और इसके आगे 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रेखा या 100 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है इसके पूर्व में, वो पूरा का पूरा है गंगा का मैदान। ये 100 सेंटीमीटर वर्षा है, यहां है 200 सेंटीमीटर वर्षा और यहां है 300 सेंटीमीटर वर्षा। अब देखिए ये जो गंगा का मैदान है तो नाम से दिख रहा है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया गया है वो गंगा का मैदान है, है ना। ये मुख्य रूप से कहां कहां फैला हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में फैला हुआ है, इसका कुछ हिस्सा झारखंड में है, है ना, कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी कुछ नदियां लेकर के इसके अंतर्गत आती है, तो मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, है ना। और बाकी ये क्लियर होगा जब हम गंगा नदी पढ़ेंगे, है ना। गंगा नदी ये बहुत बड़ी नदी है, इसको इतना डिटेल्स हम यहां नहीं पढ़ सकते क्योंकि फिर दो बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार इतना ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां ये गंगा का मैदान फैला हुआ है, यहां आपने तीन वर्षा रेखा बनाई है, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर। ये जो वर्षा रेखाएं हैं ये इस गंगा के मैदान को तीन भागों में विभाजित करती है। ये इधर वाला है, ये है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ये है मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और ये है निम्न गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, यहां देखिए, यहां जो ये ऊंचाई है, ठीक है ना, वो 300 मीटर है, समुद्र तट से यहां ऊंचाई है वो 300 मीटर है, जहां वर्षा रेखा 100 सेंटीमीटर निर्धारित है। यहां है 100 मीटर और यहां है 50 मीटर। तो यानी कहने का मतलब यह है कि वर्षा के आधार पर और समुद्र तट से ऊंचाई के आधार पर हमने दो आधार लिए और इन दोनों आधारों के ऊपर हमने गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा। एक है वो ऊपरी गंगा, एक मध्य गंगा और एक है निम्न गंगा। तीन मैदानों में बांटा, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। अब देखिए पूछ लिया जाए ऊपरी गंगा का मैदान तो है तो गंगा नदी का या गंगा के मैदान का भाग, लेकिन किस किस के बीच में? 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो वर्षा है वो कितनी है औसत वर्षा? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। समुद्र तट से ऊंचाई 100 मीटर से 300 मीटर या फिर 300 मीटर से 100 मीटर, है ना। तो यानी कहने का मतलब यह है ऊपरी गंगा का मैदान है उसकी औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर है और समुद्र तट से ऊंचाई है वो 100 मीटर से 300 मीटर है। यह है ऊपरी गंगा का मैदान। बात समझ में आ गई? ये जो है ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में है। कहां है? उत्तर प्रदेश में। और यहां की जो मुख्य फसल है वो है गन्ना, गन्ना और अन्य फसल है वो है कपास। अन्य फसल है वो क्या है? कपास।
तो ये ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। मध्य गंगा का मैदान है ये 200 सेंटीमीटर वर्षा, यहां की जो औसत वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर और समुद्र तल से ऊंचाई है वो 50 मीटर से 100 मीटर या फिर 100 मीटर से 50 मीटर, ये है मध्य गंगा। सॉरी। और ये मुख्य रूप से है बिहार में, कुछ हिस्सा इसका नीचे जाते हैं तो हम झारखंड में छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। यहां की जो फसल है वो फसल है मुख्य चावल, कौन सी चावल और कपास भी होती है यहां, कौन सी कपास। तो चावल और कपास ये मध्य गंगा के मैदान की प्रमुख फसल है। निम्न गंगा का मैदान है वहां पर वर्षा होती है 300 सेंटीमीटर से अधिक और यहां की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 50 मीटर, ठीक है ना। यहां ढाल बहुत कम मिलता है निम्न गंगा के मैदान में, यहां आधा डिग्री से एक डिग्री के बीच का ढाल मिलता है, केवल बहुत कम ढाल मिलता है और ये इतना समुद्र तल से नीचा है इसलिए ही इसे निम्न गंगा के मैदान का नाम से पुकारा गया है, ठीक है ना। आप समझ लेंगे कि निम्न गंगा क्यों नाम ले दिया। तो यहां समुद्र तल से ऊंचाई है वो नीची है, है ना। और ये मुख्य रूप से है ये पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है ना। और यहां जो फसल होती है वो होती है चावल और जूट, चावल और जूट। तो ये हमने गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है ना। कैसे बांटा है वो आपके शायद समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो मिटा दे इसको। लास्ट हमने चार नंबर जो देखा है वो कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। लास्ट नंबर चार है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये जहां जहां भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना, उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण किया गया है वो ब्रह्मपुत्र का है, जिसके अंतर्गत इसकी सहायक नदियां भी शामिल हो जाएंगी, है ना। ये मुख्य रूप से यहां अरुणाचल प्रदेश तक, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है हिमालय पर्वतमाला है वहां बहता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये अरुणाचल प्रदेश। और इसके नीचे जब हम चलते हैं तो ये मैदानी भाग में कहां आती है नदी, असम। तो यानी कहने का मतलब है जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो मुख्यतः है असम के अंतर्गत है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहां है भारत में, मुख्य रूप से असम के अंतर्गत, ठीक है ना। और ये जो एक क्षेत्र है ना ये वृष्टि छाया प्रदेश है, ये वृष्टि छाया प्रदेश है ना, वृष्टि छाया प्रदेश, बात क्लियर होगी। तो ये चार प्रकार के मैदान हैं जो चार नदियों के द्वारा निर्मित हैं, तो इनको देखना ध्यान से। तो ये हमारा यहां उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कंप्लीट हो गया है, इसको दो पार्टों में आपको पढ़ाया गया है, इजीली पढ़ाया गया है। समझ में नहीं आए तो दोबारा इसको देख सकते हैं आप। अब जो अगला पार्ट है वो हम दक्षिण के प्रायद्वीप पठार को पढ़ेंगे, तो आप पहले उसको पढ़ना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए आपके यहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि हम रीजन है इतना टिपिकल नहीं है, क्योंकि हिमालय भी है टिपिकल तो ये भी है टिपिकल, लेकिन हम जब भी किताबों में पढ़ते हैं ना भौतिक प्रदेश में तो हिमालय को पढ़ लेते हैं शुरू शुरू में, फिर उत्तर के विशाल मैदान में चले जाते हैं, है ना, और प्रायद्वीप पठार तक पहुंचते हैं ना तब परेशान हो जाते हैं इन पर्वतों पहाड़ियों से, इसलिए वो थोड़ा सा टिपिकल लगता है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। धन्यवाद।